अब हम शुरू करेंगे आज के लाइव क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आया था, अगर ये मुझे 5:29 को ही आ गया था। दीपाली जी कुछ कह रही थी शायद, अगर आप अभी भी लाइन पे हो तो आप अभी आंसर सुन लीजिए। सर, एक ही माँ के गर्भ से दोबारा पुनर्जन्म हो सकता है? अगर हाँ, वो सोल उसी घर में अपना पहला जन्म कंटिन्यू क्यों नहीं करती? ओके, दीपाली पूछ रही हैं कि एक ही माँ के पेट से क्या पुनर्जन्म री इनकार्नेशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो जब इस शरीर को छोड़ने से पहले जो उसकी लाइफ थी उसमें अपने कार्मिक अकाउंट को क्यों मेंटेन नहीं कर सकती? तो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, आज की लाइफ में अगर किसी की डेथ हो रही है या किसी कोई अपना शरीर छोड़ के यहाँ से जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है अगर नेचुरली जा रहा है, मतलब किसी बीमारी की वजह से, मतलब उसमें उसके इंटेंशन नहीं थे, तो इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल थी, उसकी जो जीवन क्रम था वो उतना ही था। और ये सत्यापित कोई नहीं कर सकता है कि देखिए उस बच्चे का उसमें वो जिस जो सुभाष पहले था, आप मेरे को लेके चलिए, मेरी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद में मैंने फिर से अपनी मम्मी के यहाँ पे जन्म लिया, तो मैं ही हूँ या वो सोल मैं ही हूँ। अगर ऐसा कुछ रेयर हैपन हुई है मेरे साथ, मेरे पास में भी कुछ वीडियोस हैं, उसके क्लिप्स हैं, वो आप भी देख सकते हैं, लेकिन ये वंस इन करोड़ होता है, ऐसा हमेशा के लिए तो नहीं होता। तो प्लीज इस चीज को कंसिडर करिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीजें बना लेते हैं कि देखिए इतने बजे उनकी डेथ हुई थी और अगले दिन इतने बजे एक बच्चे का जन्म हुआ था सेम चीज, तो उससे क्या उन्हें लगता है कि वही सोल फिर से कहीं आ गई है। तो इन चीजों में मत फंसिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बेसिकली आपका सवाल था कि उस घर में वो सोल फिर से कंटिन्यू क्यों करती है, इवन वो पहले से जब उसके पास में शरीर था वो कर सकती थी, तो उसका अगर मैं मान भी लूँ आपको 1 मिनट की, चलो फिर से रीइंकार्नेशन सेम मम्मी के साथ में या सेम सब चीज होता है, तो देखिए इसलिए नहीं कर पाती, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि उसकी जो जीवन क्रम था उस जन्म का, उस स्पेसिफिक जन्म का, वो खत्म हो चुका होता है अगर उन्होंने सुसाइड या किसी भी अननेचुरली तरीके से अपनी जान नहीं दी है। तो सबसे बड़ा तो ये रीजन रहता। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा दीपाली तार से। इसके बाद में प्रीति कुछ पूछ रही है। प्रीति पूछ रही, सर मेरी मम्मी की डेथ जब हुई थी आसपास बहुत पॉजिटिविटी थी, पर अचानक ऐसा कैसे हो गया? किसी की डेथ होने से या ना होने से पॉजिटिविटी का क्या मतलब है? पॉजिटिविटी मतलब है कि आपको हैप्पीनेस देने के लिए, अगर आप सैड हो और पॉजिटिविटी कोई देगा तो आप खुश हो जाओगे, आपका चेहरा खिल जाएगा। किसी की डेथ से इसका मतलब नहीं है। कितने लोग यहाँ पे बहुत पॉजिटिव दिखते हैं, गए तो वो भी हैं। इसमें आपकी मम्मी की क्या एज रही होगी, कैसे आप किस हिसाब से सोच रहे हो कि आपकी मम्मी को नहीं जाना चाहिए था, तो अगर पूरा सवाल लिखोगे तो मेरे को ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रीति जी, देखिए मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है और जो दूसरे लोग हैं उनको भी जाना है, जाना तो सबको है, इसमें पॉजिटिविटी का कोई खेल नहीं है। हाँ, अगर आप इसको इस तरह से बोल रहे हो कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी ऐसी कमांड नहीं दी कि मैं यहाँ से चला जाऊं, या सबकॉन्शियस माइंड से कभी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की कि मेरी डेथ हो जाए, तो दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर और डिफरेंट थिंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। आप इसके बारे में यहाँ पे नीचे और डिटेलाइट लिख सकते हो तो मैं उस पर यहाँ पे आंसर दे सकता हूँ, नहीं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, उसके हिसाब से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा।